बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो हम अपना चैप्टर कर रहे थे मार्केटिंग वाला, और हमने उसके दो तीन कंसेप्ट देख लिए थे। हमने बेसिकली मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन देखा था, हमने मार्केटिंग के मुख्तलिफ कंसेप्ट देखे थे बेसिक, देन हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिफाइन की थी कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। सर, बिफोर स्टार्टिंग मुझे आपको बताना था कि मुझे ईमेल रिसीव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बच्चे आपकी मेल? चले, क्लास के बाद में आपको हम इसको डिस्कस करते हैं, क्लास में रहिएगा। अच्छा, आपने जो ईमेल क्या कहते हैं हमारी वो एडमिन को भेजी थी, वही ईमेल है, चेक करें। अगर वो ठीक है तो फिर आपको ईमेल आ चुकी होगी उसी मेल के ऊपर ही, बल्कि वो ईमेल ठीक थी, आपको ईमेल आ चुकी होगी। हाँ, ओके ओके, जस्ट 1 मिनट, आपको ईमेल में भी ना आई हो, जा सकती है। चले, ये क्लास के बाद हम करते हैं इसका इसको। अच्छा जी, तो क्या हुआ कि हाँ, कहीं ना कहीं पे इस तरह होगी। चले जी, तो हम क्या कर रहे थे, हमने वो क्लिप मिक्स देखे, हमने स्ट्रेटजी देखी कि मार्केट की स्ट्रेटजी कैसे डिवेल्प करनी है, उसके कंपोनेंट हमने कौन कौन से देखने हैं। हमने देखा कि प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस एंड पैटर्न वगैरह, ये सारी चीजें हमने पीपल शिपल देखे उसके, कि हमने मार्केटिंग करनी कैसे है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने उसके बाद एक प्रोडक्ट को देखा। जाहिर सी बात है कि मार्केटिंग हम किसी प्रोडक्ट की कर रहे हैं, एंड देन हमें पता होना चाहिए कि हम क्या मार्केट कर रहे हैं। उसकी वजह कि मैंने आपको बताया था कि हर चीज की एक लाइफ होती है, एक लाइफ साइकिल होता है, और जो एक अच्छा और अकलमंद ऑनर होता है या मार्केटिंग मैनेजर होता है, वो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखता है। जब भी वो प्रोडक्ट कोई डिवेल्प करता है, उसके ऊपर वो सबसे पहले एनालाइज करता है बैठ के, कि भैया देखो कि जो इस प्रोडक्ट की लाइफ है वो कितनी है। अब जाहिर सी बात है, हमारे सामने कई प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनकी लाइफ मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर कुछ शॉर्ट रेंज लाइफ की होती है, कुछ लॉन्ग रेंज में होती हैं, कुछ ही होती हैं कि काफी टाइम तक बूम पे रहती हैं, कुछ ही होती हैं कि आती हैं विद इन ईयर गायब हो जाती हैं। मुझे कोई एग्जांपल दो शॉर्ट रेंज प्रोडक्ट की, शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट की, जिसकी मेच्योरिटी बहुत शॉर्ट लाइफ की हो। कोई बताओ, एग्जांपल दो जल्दी से। एग्जाम्पल दे यार, कोई भी शॉर्ट रेंज प्रोडक्ट जो है वो वाली। सर, ड्रेस डिजाइन, बिल्कुल ठीक है, बड़ी शॉर्ट रेंज में होती है, हर सीजन में नया डिजाइन होता है, हर सीजन में नया स्टाइल होता है, मौसम के हिसाब से भी चेंज होता है। कोई और? शाबाश, बाकी तमाम क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं? हाँ जी, कार डिजाइन, ठीक है। कार डिजाइन बेटा एक शॉर्ट रेंज प्रोडक्ट नहीं है। डिजाइन बेसिकली देखो, ये एक ना प्रोडक्ट जो डिजाइन है, डिजाइन देखो एक आइडिया होता है, ठीक है। अब हमने एक प्रोडक्ट को डिफाइन किया था, जी बेटा अक्सर मैं करता हूँ, हमने प्रोडक्ट को डिफाइन किया था कि तीन तरह की होती है। नंबर 1 गुड्स जो टेंजिबल होती है, नंबर 2 जो सर्विसेज होती है, एंड नंबर 3 आइडिया होता है। अब ये जो डिजाइन है बेसिकली ये आइडिया में आता है, ये गुड्स में नहीं आता। अब आप दो चीजों को मुझे बताएं, या आप कार को यहाँ पे लिख रखें या उसके डिजाइन को रखें, आप इन दोनों चीजों को डिफरेंट करके बताएं। आइडिया, जाहिर सी बात है कि जब कार डिजाइन होती है, जब एक नई कार मॉडल लॉन्च होता है, कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है उसके डिजाइन के ऊपर ही। जो डिजाइनर होते हैं, 3D मॉडलर होते हैं, 3D आर्ट वाले होते हैं, वो उसको चेंज कर रहे होते हैं। लिहाजा यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आप आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह मोबाइल फोन, शाबाश मेहरुनिसा, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वाला आंसर अभी तक क्यों किसी ने नहीं दिया। खैर, मोबाइल मॉडल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि शॉर्ट रेंज जो है वो चेंज हो जाते हैं विद इन ईयर, कई कई मॉडल आते हैं, और खास तौर पे जब एक क्यू मोबाइल का दौर आया था, तब तो भैया अन्नी पाई गई थी ना। मतलब हर दूसरे दिन नया मॉडल है, हर दूसरे दिन नया मॉडल है। जब एंड्रॉयड नए नए मार्केट के अंदर लॉन्च हुए थे, तो बहुत ज्यादा उसके अंदर चीजें आ गई थी। अच्छा, मुझे ये बताइए आप जरा कि कोई लॉन्ग रेंज, लॉन्ग लाइफ साइकिल जिस प्रोडक्ट का हो, कोई एक एग्जांपल दीजिए। तमाम एक एक एग्जांपल दे तमाम। शहर यार पुत्र, आप हमारे मार्केटिंग मैनेजर, और अभी तक आपकी तरफ से कोई इनपुट नहीं है, सो तो नहीं रहे? जल्दी से यस सर बोलो पहले, तो फिर उसके बाद मुझे एग्जाम्पल दो, बाकी तमाम भी दें, एक एक एग्जाम्पल दें। ऐसी प्रोडक्ट जो आपके ख्याल में लंबे अरसे से चलती है, बहुत कम उसका क्या कहते हैं पीरियड है जिसमें वो क्या कहते हैं गिरने का उसका खतरा हो, एक लॉन्ग लाइफ होती है, यूजफुल लाइफ ज्यादा होती है उसकी। बताएं जी जरा जल्दी से। अप्लायंसेस, अप्लायंसेस से क्या मुराद है बेटा, कुछ एग्जांपल देना। अप्लायंसेस बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि तमाम की लाइफ एक हो, चेंज होती रहती है और बूम रहे उसका।
कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बेटा, कोल्ड ड्रिंक्स की भी कोई इतनी खास लाइफ नहीं होती, चेंज होती रहती है, सिवाय एक दो को छोड़ के आप उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर चंद एक कंपनीज का आप कह सकते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटर में भी हर साल नया मॉडल होता है बच्चे। कोक ठीक है, बेहतरीन, जबरदस्त, उसका एक अच्छा साइकिल है, और आप रेफ्रिजरेटर्स में उनके मॉडल भी नए होते हैं, उनके अंदर क्वालिटीज भी नहीं होती हैं, आप खुद देख रहे हैं, पहले सादा होते थे, विद इन 10 ईयर कोई 10-15 टाइप के मॉडल आ गए होंगे। अब डीसी इन्वर्टर है, अनकरीब पानी पे भी चलने वाले आ जा रहे हैं, और उसके बाद फिर लगता है जो हमारे हालात है बिजली के, सुबह से लाइट ही नहीं है, ये तो शुक्र है हमारे पास यूपीएस है, और मेरे ऑफिस में बैठो तो यहाँ पे यूपीएस भी है मेरे पास, तो वो हम कर रहे हैं, नहीं तो क्या होना है, गाँव पे चलने वाले फ्रिज भी आ जाने हैं, बोला खुश रखे तेने वाला खुश रखे, चल भाई चलो ठीक है। तो कोई और एग्जाम्पल दो ना शायद यार, आपकी तरफ से इनपुट नहीं आया बच्चे अभी तक, बाकी भी बोलो कोई और एग्जाम्पल दो, बेहतर एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल हो बच्चे, एक सिंगल प्रोडक्ट जो आपकी लाइफ में पहले दिन ही जितने डिमांड के ऊपर थी आज ही उसी डिमांड के ऊपर है। आईफोन कौन से वाला, कौन से वाला, इतने फ्लेवर तो आए उसके, लैंड ठीक है, जबरदस्त, लैंड एक प्रोडक्ट है, वीट जबरदस्त एक प्रोडक्ट है, बढ़ती जा रही है, उसकी डिमांड जो है वो डाउन नहीं हो सकती, जिस तरह हमारा पेट्रोल है पहले दिन से ही इसकी डिमांड हाई है एंड चलती जा रही है। लेकिन आपके ख्याल में क्या ऐसा हो सकता है कि पोटैटो, नहीं बेटा पोटैटो तो सीजन टू सीजन चढ़ता उतरता रहता है, कभी तो ये बेचारे जो काश्तकार होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जबरदस्त ये उसमें फेंक रहे होते हैं, नहरों में फेंक रहे होते हैं बेचारे, हमारे साइड पे नहरें हैं तो कभी देखो भर भर के जा रहे होते हैं पोटैटो उसमें। मुझे बताओ आपके ख्याल में क्या पेट्रोल जो है क्या कभी इसको डिक्लाइन आएगा फ्यूचर में, क्या इस प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल खत्म हो सकता है कभी, एंड क्यों वजह, वॉइस नहीं आ रहे, सीम्स डिफिकल्ट, अच्छा मतलब आपके ख्याल में पेट्रोल में कभी डिक्लाइन नहीं आ सकता। यह डिफिकल्ट है जी सर, नॉन रिन्यूएबल है, बिल्कुल अली की बात किसी हद तक जेन्युइन है कि ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, और इसमें कभी ना कभी एंड हो जाना है, नंबर वन। नंबर टू के ऊपर ये क्लीन नहीं है, हमारी कोशिश है कि हम क्लीन की तरफ जाएं, हम शेल पे जा रहे हैं, हम गैस पे जा रहे हैं, हम सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे हैं। आपको पता है कि जो पेट्रोल है, ये जो ऑयल है, इसके सबसे ज्यादा कंजम्पशन हमारी इलेक्ट्रिक जनरेशन में है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है उसके अंदर है, ये जो हमें तो लगता है ना गाड़ियों में सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन तकरीबन 80% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज हो रहा है, 20% हमारा जो नॉर्मल आप कह सकते हैं रेजिडेंशियल या कमर्शियल यूज में आ रहा है। अब इसमें क्या होता है बेटा कि हम इसको बहरहाल कभी ना कभी हम इसके लिए चीजें रिन्यू कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, हम फ्यूजन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। सर पेट्रोल खत्म हो सकता है बट इसकी डिमांड खत्म नहीं हो सकती, बेटा देखो डिमांड खत्म क्यों नहीं हो सकती, मतलब अभी आपने कोविड में हालात देखे नहीं थे कि पेट्रोल की डिमांड कहाँ पे चली गई थी, जीरो पे चली गई थी, ये तो सिर्फ एक सिचुएशन थी। लेकिन अगर आप सोचो जब सीएनजी आई थी, नहीं नहीं एंड बड़ी सस्ती सीएनजी थी, 30 रुपए किलो होती थी, तो मुझे नहीं लगता था कि हमारे गांव में जो 80% गाड़ियां थी जो इसमें हो सकती थी पेट्रोल से सीएनजी पे, वो सारी की सारी सीएनजी पे हो गई थी, एंड पेट्रोल की डिमांड बहुत कम हो गई थी, सीएनजी पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। तो बेसिकली इनकी डिमांड बेटा, पेट्रोल की डिमांड जो है ना ये कंप्लीमेंट्री डिमांड होती है, सप्लीमेंट्री डिमांड कह सकते हैं, ये डिमांड डिपेंड करती है गाड़ियों के ऊपर, हमारी इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के ऊपर। अगर इलेक्ट्रिक पावर कंपनीज तमाम हाइड्रो पे चली जाती हैं या न्यूक्लियर एनर्जी पे चली जाती है, पेट्रोल की डिमांड वहां खत्म। सेम इस तरह हमारी गाड़ियां जो हैं वो अगर इलेक्ट्रिसिटी पे चली जाती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो न्यूक्लियर फ्यूजन पे चल रही है, तो विद इन 10 ईयर अगले 10 सालों में आप देखेंगे यहाँ पे बेतहाशा, अभी भी आपको हाइब्रिड गाड़ियां तो नजर आती हैं, कुछ टेस्ला की ई गाड़ियां भी आपको नजर आती हैं, डीएचए में उनके वो पंप भी मौजूद हैं जिनसे जहाँ से वो रिचार्ज होते हैं, चार्जिंग पैनल मौजूद है वहां पे। तो ये वक्त के साथ साथ हर प्रोडक्ट में बहरहाल जवाल पजीर होना है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ओके आज हम मूव करते हैं अपने ब्रांडिंग के कंसेप्ट के ऊपर, कि ब्रांडिंग क्या है। तो बेटा वो कहते हैं कि जब भी आप मार्केटिंग करो इस कंसेप्ट के साथ, हर किसी ना करो किसी शॉर्टर रन,
शॉर्ट टर्म बेनिफिट या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए हर किस ब्रांडिंग ना करो कि भाई अभी सॉरी मार्केटिंग ना करो कि बस हमारा पर्पस ये हो कि जस्ट हमारे पास कस्टमर आ जाए, हम उसको सेल करें और चले जाएं। जो हम नॉर्मली पाकिस्तानी करते हैं कि भाई आज का करो कल की के अल्लाह वाले से, कल का अल्लाह हाफिज है, कल वाला दिन तो जो गुजर गया खैर है, जो गुजर गया दफा करो, आज वाला दिन जो है इसमें लुटो फुटो खाओ और जो कल वाला दिन है वो अल्लाह पे छोड़ दो, ठीक हो गया। लिहाजा ये हमारी एक सोच होती है, लेकिन मार्केटिंग का पर्पज ये नहीं है। मार्केटिंग बेसिकली वो कहता है कि देखो आप कर ही तो रहे हो, ठीक है, आप सेल तो हो रही है, लेकिन आप मार्केटिंग इस तरीके से करो कि आप अपना एक ब्रांड डेवलप करो, लोगों के जहनों में अपना नाम छोड़ो, अपना नक्श छोड़ो, आप अपने ब्रांड को लेके चलो। अगर मैं बात करूं, मैंने जिंदगी में सबसे फजूल तरीन पिज्जा जिसका खाया है वो है पिज्जा हट, ठीक है, बहुत ही मतलब अजीब सा ही था। मैं शायद वो बाहर के लोग पसंद करते हो, हमारे टेस्ट बड से तो बिल्कुल अगेंस्ट होता है, मतलब इतने बड़े बड़े प्याज उसके ऊपर वैसे कच्चे पड़े हुए हैं एंड वो बाइट में आते तो वैसे ही कड़वे लगते हैं, एंड देन जो उनका सॉस होता है वो सारा इधर क्या कहते हैं होठों पे लगता है एंड वो जलन करता है, कच्चा सॉस था उसका। मैं हैरान रह गया कि भाई वो फर्म में थे तो पार्टनर ने मंगवा लिया, वो शशकों के चक्कर में जी पिज्जा हट का पिज्जा खाएंगे अब। देन उसके बाद हमें मैं सॉरी करने लगा कि सर मुझे ये नहीं मंगवाना चाहिए था, हमें कोई लोकल ही मंगवा लेना चाहिए था जो हमारे टेस्ट बड्स को पहुंचा। तो लिहाजा लेकिन क्या आपके ख्याल में वहां से लोग नहीं खाते? बहुत खाते हैं, सबसे ज्यादा पिज्जा चलता ही उन्हीं का है। आप कभी जाए वहां पे देखे तो डेली के कितनी बड़ी लाखों लाखों की सेल होती है, 10 10 15 15 लाख की डेली की सेल है उनकी। तो क्या हुआ, बेसिकली उनका एक ब्रांड डेवलप हो गया कि भाई देखो हालांकि शुरू में कोई ब्रांड नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मार्केटिंग की और मार्केटिंग के अंदर ये चीज इंप्रेशन में रखा। अब देखो मार्केटिंग के अंदर हमने ब्रांड करना है, मिसाल के तौर पर हमारा NSA कॉलेज है, मैं चाहता हूँ कि ये NSA एक ब्रांड बन जाए। मैं मार्केटिंग करने के लिए निकलता हूँ, मैं पोस्टर लगा देता हूँ बाहर कि जनाब जी एक दिन मैं पोस्टर लगाता हूँ क्या कहते हैं जिसके ऊपर जनाब मैंने क्या अपनी क्लासेस का शेड्यूल, टीचर्स की पिक्चर्स एंड इसी तरह फीस ये सारा कुछ लिख दी, यहाँ पे इस तरह गोल करके मैंने NSA का लोगो लगा दिया। अगले दिन मैं ऐड देता हूँ, मैं वहाँ पे NSA का ऐसे लोगो लगाता हूँ और फिर मैं तीनों चीजें वही लिख देता हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट कर देता हूँ कि फलानी ऑफर, फलाना पैकेज, फलाना डिस्काउंट। चौथे दिन मैं ऐड लगाता हूँ, NSA का लोगो मैं यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे कुछ चीजें और लिखता हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तमाम चीजें चेंज हो रही है, हम किसी एक के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे। हम बेसिकली फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं कि भाई बच्चा आ जाए, स्टूडेंट आ जाए। फोकस किस चीज के ऊपर होना चाहिए कि देखो इस पूरी एड के अंदर एक चीज कंसिस्टेंट या कॉन्स्टेंट होनी चाहिए और वो अपनी प्रॉपर जगह के ऊपर होनी चाहिए, चाहे वो ऐड किसी भी चीज की हो, चाहे वो किसी भी चीज की ऐड हो, आपकी वो वाली जो पॉइंट है वो जिसको आप लोगों के जहन में छोड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आपकी वो स्ट्रेंथ बने, उसे सेम जगह पे होना चाहिए कि भाई हर ऐड के ऊपर अगर मैं चाहता हूँ NSA एक ब्रांड बने तो हर ऐड में एक ही पोजिशन के ऊपर ये लोगो, एक ही पोजीशन के ऊपर। अगर आप किसी कॉलेज का उठा के देखें, बड़े कॉलेज का, उनके जितनी मर्जी ऐड उठा के देखें उनका लोगो एक ही जगह पे होगा। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के उठा के देखें ऐड, उसमें लोगो उनका हर ऐड में एक ही जगह पे होगा, चाहे ऐड जितनी भी डिफरेंट हो। तो क्या हुआ, बेसिकली वो एड्स तो डिफरेंट है, एड्स के अंदर मटीरियल कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन वो जो लोगो है, अगर एक शख्स से 10 ऐड पहुंचती है वो लोगो बार बार कंसिस्टेंटली उसके दिमाग में पहुंच रहा है और वो ब्रांडिंग हो रही है, वो आपका ब्रांड डेवलप हो रहा है। तो मार्केटिंग हमेशा इस ऑब्जेक्टिव के साथ करनी चाहिए कि हम अपना एक ब्रांड डेवलप करें, अपनी एक ब्रांडिंग, अपनी एक वर्थ, अपनी एक गुडविल शो करें, ठीक हो गया। तो लिहाजा ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग इज अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट एंड डिफरेंशिएटिंग देम फ्रॉम कंपेटिटर प्रोडक्ट, कि हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ब्रांड्स आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय नेम और असेंबल, जो हमारे ब्रांड होते हैं KFC का बाबा बैठा होता है आप देखते हैं चिट्टी दाढ़ी वाला, और इसी तरह मैकडोनल्ड में बड़ा सारा M लिखा होता है, एंड इसी तरह बाकी भी हम सारे देखते हैं पिज्जा हट में पिज्जे की बाइट्स होती हैं, तो ये सारी हमने देखी हुई है एड्स। क्या होता है कि भाई ये सिंबल भी हो सकते हैं, लोगो भी होते हैं, वो मीनिंगफुल होते हैं। हर सिंबल का, हर लोगो का कोई ना कोई मतलब होता है, उनके अंदर हिडन मीनिंग्स होते हैं, इम्पैक्ट होता है, बाकायदा लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद उसको सिलेक्ट किया जाता है कि हमने कलर स्कीम कौन सी यूज करनी है, लोग किस कलर स्कीम को ज्यादा पसंद करते हैं। अब मुख्तलिफ किस्म के मतलब चीजें उसके अंदर ना इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम देखेंगे तो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनका लोगो ग्रीन कलर का होता है। अब भाई ग्रीन कलर की कलर स्कीम रखने का क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई हम एक ग्रीनर एंटिटी है, मतलब उनकी पॉलिसीज उसमें शो हो रही होती है, वो शो कराना चाहते हैं कि हम माहौल दोस्त एंटिटी है, हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्टिव एंटिटी है, तो हमें
क्या है, वो अपना एक ग्रीन लोगो रखती हैं। इसी तरह ये जो डेंजरस काम करने वाली होती हैं उनका नॉर्मली रेड लोगो होता है या ऑरेंज लोगो होता है। अब जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसका हमेशा लोगो ऑरेंज कलर में होगा, क्यों? इसके ऊपर वो खोपड़ी और नीचे दो हड्डियां, वो तकरीबन ऐसे टाइप शक्ल बनी होती है, वो ज्यादातर रेड कलर में होते हैं जहाँ पे बॉक्स बना होता है। क्यों, सॉरी, ऑरेंज कलर में होते हैं, क्यों? क्योंकि भाई दूर से लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे आगे खतरा है, वो उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, उसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है, वो आपको बड़ी दूर से नजर आ जाता है कलर, तो आप करीब जाने की भी जहमत ना करें, ठीक है? तो ये चीजें डिवेलप की जाती है वक्त के साथ साथ। अब सड़कों के ऊपर जो कॉर्न होती है, वो जो वीएलसी प्लेयर पड़े होते हैं, वो किस लिए होते हैं? वो एक ही कलर के क्यों होते हैं? हमें दूर से ही पता चल जाए कि भाई देखो यहाँ पे कोई खतरा है, ये चीजें पड़ी है। अगर भाई लाहौर वाले अपना पिंक कलर रख रहे हैं, कराची वाले अपना रेड कलर रख रहे हैं, मुल्तान वाले अपना ग्रीन रख रहे हैं, हर बंदा अपने अपने कोन के कलर रख रहे हैं, और सड़कों पर रखो, बंदे को पहले तो समझने में मसला भाई ये पड़ा क्या है, जब तक करीब नहीं पहुंचे उसे नजर नहीं आएगा, तब तक बंदा ठा होगा, ठीक हो गया? तो लिहाजा कंसिस्टेंसी होती है, और ये सिंबल्स होते हैं जो कुछ चीजों को क्लियर करते हैं, ठीक हो गया? अच्छा, द वर्ड ब्रांड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड नॉर्स ब्रांड, एक पुरानी टर्म है ब्रांड, उसी से निकला है ब्रांड, मीनिंग टू बर्न। अब ब्रांड पहले कैसे होता था, अभी तो ना ये होता है कि हम 3D प्रिंट करा लेते हैं, फोटो कॉपीज होती हैं, किसी भी तरीके से हम ब्रांड कर लेते हैं। पुराने जमाने में ब्रांडिंग इस तरह नहीं हुआ करती थी। आपने शायद मूवीज भी देखी हो जब खासतौर पे गुलामों के ऊपर निशान लगाए कर जाते थे, किसी ने देखी इस तरह की मूवी जिसके अंदर स्लेवरी का जिक्र हो रहा हो, कोई पुराने दौर की? तो वो क्या करते थे, उनका जो लोगो होता था मेटेलिक होता था, उसको गर्म करके देन फिर उसको उस प्रोडक्ट के ऊपर बर्न करते होते थे, लगाते होते थे, जिसकी वजह से वो अंदर इंग्रेव्ड हो जाता था लोगो उसका। तो ये वहां से बर्न से ब्रांड निकला है। वो कहते हैं ब्रांड कहाँ से निकला है, ब्रांड से ही निकला है, और ब्रांड कहाँ से निकला है, बर्न से निकला है। समझ आई बात बेटा? कभी देखी ये चीज कहीं मूवी में, कहीं भी जगह पे? आजकल भी होता है, खासतौर पे चीज के ऊपर जो ब्रांडिंग होती है। जी बिल्कुल, जो चीज वगैरह जो हम खाते हैं, ईद के जो बड़े बड़े रोल्स बनते होते हैं, वो बड़े बड़े चेटर चीज हो गई, मोजरेला हो गई, इनके बड़े बड़े वो आते हैं ना, रोल्स होते हैं, सही, ब्लॉक्स होते हैं, उनके ऊपर वो बर्न करते हैं, तो लिहाजा ये वहां से निकला है। और ट्रेडमार्क भी ब्रांड को अगर हम रजिस्टर करा लेते हैं तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। मतलब हमने एक अपना ब्रांड बनाया, अपना एक लोगो बनाया, और हम चाहते हैं कि इसको कोई और यूज ना करें, तो हम क्या करेंगे, उसको रजिस्टर करा लेते हैं अंडर लॉ। हमारे यहाँ IPO एक ऑफिस है, ये मैं आपको इंशाल्लाह लॉ अगर आपने मेरे से पढ़ा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, हालांकि उसका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। मतलब इसकी जो छोटी छोटी असाइनमेंट होती है ना, कम से कम भी असाइनमेंट वो 60,000 की मिलती है, एंड उस पर एक्सपेंसिव जो होते हैं वो तकरीबन 18,000 के होते हैं, ठीक है? हाँ, टाइम इसके अंदर 5-6 महीने का लगता है, लेकिन हमारा कोई काम नहीं होता खास उसमें। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा, ये वो चीजें जो प्रैक्टिकली स्किल से रिलेटेड होती हैं, ये इंशाल्लाह हम लॉ के अंदर करेंगे। अच्छा, तो क्या है, ट्रेडमार्क को हम रजिस्टर करा रहते हैं लॉ के अंदर के भाई कोई और बंदा, बिल्कुल, कॉइन भी ऐसी ही टेक्निक से बनते हैं। शाबाश शाबाश, बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं बच्चा। तो लिहाजा क्या होता है कि हम जब किसी ब्रांड को रजिस्टर करा लेते हैं तो हम कहते हैं हमने इसका ट्रेडमार्क करा लिया है। तो वो अक्सर हम देखते हैं किसी प्रोडक्ट के साथ लिखा होता है छोटा सा TM, ऐसे सर्कल के अंदर TM लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है, ट्रेडमार्क, मतलब ये रजिस्टर्ड है, इसको यूज नहीं करना, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एंड इसी तरह हम किसी प्रोडक्ट साथ देखते हैं छोटा सा R लिखा होता है, ऐसे, उसका मतलब होता है रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। तो ये वहां पे मीनिंग्स होते हैं हर चीज के। ब्रांडिंग इंपॉर्टेंस क्या है, कि जब हम ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, ओके, द इफेक्टिव ब्रांडिंग एनकंपासेस एवरीथिंग दैट शेप द परसेप्शन ऑफ अ कंपनी। तो भाई ब्रांड नॉर्मली कंपनी की जो फ्यूचर होता है उसके लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है। आप कंपनी की जो फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो आप कंपनी की शक्ल देखना चाह रहे होते हैं, ब्रांड बेसिकली आपको उससे, ब्रांडिंग जो है, ब्रांड नहीं, ब्रांडिंग उस स्टेज पे लेके जाने में हेल्प करती है। जितना जल्दी आपकी ब्रांडिंग से ब्रांड डिवेलप होगा, उतना जल्दी आप लोग जो है अपनी उस फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंचेंगे जो आपके आइडिया में मौजूद है। ब्रांड ऑल्सो एड्रेस वर्चुअली एवरी एस्पेक्ट ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस विद द कंपनी। कि भाई देखो, ब्रांड के अंदर नॉर्मली हम तमाम वो चीजें शामिल करते होते हैं, या वो कम से कम रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो एक कस्टमर एक कंपनी के साथ एक्सपीरियंस कर सकता है, आपके साथ जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है।
वो तमाम चीजें उसके अंदर हम शामिल करते हैं कि कई कलर स्कीम पे। तो देखो इन सब चीजों का मतलब होता है, अंदर लोगो लगा है, किताब लगी है, या गंदम के खोशे निकल रहे होते हैं, या उसका कलर ग्रीन होता है या रेड होता है, हर चीज का एक मतलब होता है जब आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर ब्रांड बनाते हैं और उसका लोगो डिजाइन करते हैं। ठीक हो गया। इन कंज्यूमर एंड बिजनेस टू बिजनेस मार्केट, ब्रांडिंग कैन इन्फ्लुएंस वेदर कंज्यूमर विल बाय द प्रोडक्ट एंड हाउ मच दे आर विलिंग टू पे। लिहाजा कंज्यूमर मार्केट में, किसी भी मार्केट में, ब्रांड जो है वो दो चीजों को इफेक्ट करता है। नंबर वन, कस्टमर की चॉइस, कस्टमर को विलिंगनेस कस्टमर की कि वो आपकी चीज खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, एंड नंबर टू उसकी प्राइस क्या पे करेगा। अब हम जहाँ से पिज्जा खाते हैं भैया, हम 1000 रुपए के 6 पिज्जे समाल वाले मंगवा के खा जाते हैं, अन्य वहीं से 1000 का समाल पिज्जा किया, पिज्जा ऐड कर नहीं आ रहा, उनका पिज्जा ही नहीं आ रहा इतने का, लेकिन लोग वो देते हैं वहां पे ज्यादा पिज्जा हट की सेल होती है बनस्पत छोटों के। हालांकि हमें तो टेस्ट में छोटे, ये छोटे छोटे ढाबे होते हैं इनका अच्छा लगता होता है, बड़े रेस्टोरेंट में तो भैया हमें जाते ही वैसे अजीब सा लगता है, हम तो वहाँ पे ना बोलिए होते ऊपरे ऊपरे से फील कर रहे होते कि यार पता नहीं किधर आ गए, वेटर आया करो तो सर आप क्या लेंगे, सर और कुछ, सर ये, जहाँ हमने 500 का खाना खाना होता है वहाँ 1500 का ऑर्डर दे बैठते हैं इस शर्मिंदगी से बचने के चक्कर में कि वेटर क्या सोचेगा गरीब आ गए हैं। एंड देन क्या होता है कि हम दूसरी बार भी सालन नहीं मांगते। परसों परसों की बात है, हम गए खाना खाने निकले होते, मुझे कोलीग ने कहा, मुइन आपने नाम सुना होगा जो इकोनॉमिक्स से ऐसे नोट्स वगैरह शेयर करता रहता है, मुझे कहा कि आ जाए सर आपको पिज्ज़ा खिलाता है। चलो ठीक है। अब एक दिन पहले हमने कॉलेज में ही अपने पिज्जा खाया था, 3 दिन पहले मंगवाया था दोपहर को वहीं पे अपने कॉलेज में, वहीं पे खा लिया था। अच्छा मैंने कहा जी ठीक है। हम रात को पहुंचे वहां पे, तो अब जाहिर सी बात है कि पिछले दिन वाला पिज्जा पूरा लार्ज पिज्जा जो है वो कम से कम हम मैंने अकेले ने खाया था, तो वो अभी तक यहीं पर खड़ा था, 2 दिन तक वो हजम नहीं हुआ था। खैर तो मैंने उसे कहा नहीं यार पिज्जा नहीं खाते हो, तो चले जी हम यासर ब्रोस्ट में चलते हैं, चल के सज्जी खा लेते हैं। जी मोस्ट वेलकम, मैं कभी खुद गया ही नहीं, हम कभी खुद जाते ही नहीं है भाई। तो वहां पे पहुंचे, अब भाई वो सज्जी आ गई, यकीन करे दुनिया के पहले नंबर पे। तो वहां पे हम 20 मिनट बैठे, कोई वेटर आया ही, वेटर ना रहा, कोई इधर से आता कोई इधर निकल जाता, इधर से आता कोई इधर निकल जाता, मुझे खुद शर्मिंदगी फील हो रही होती यार, हम शक्ल से मतलब पेंडू लग रहे हैं कि यार ये पता नहीं इधर किधर घुस आया, ये एसी में बैठने आया, हमसे कोई ऑर्डर लेने नहीं आ रहा। खैर हमने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर हमें घुसाना शुरू हो गया जट्टो वाला। तो चलो जी गुस्से में 2-4 बातें की, तो उनका जो वेटर ऑर्डर ले रहा होता है वो आगे जी क्या खाना है, हमने कहा जी सजी, हमारा इरादा क्या था सजी, जी सर सजी, एंड देन आप रायता सलाद में, रायता लेंगे सलाद लेंगे, रायता जी जस्ट रायता, अच्छा रायता हो गया चले जी, आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे, पानी, भाई हमने सजी ऑर्डर करनी थी साथ में 5 चीजें हमने और ऑर्डर कर दी इस शर्मिंदगी से कि यार देखो हमने यहाँ पे कहा कि नहीं ये नहीं करना साथ वाली टेबल वाले, ये बता कैसे सोचेगा खुद ही। चलो जी सजी आ गई, दुनिया की सबसे फसूल तरीन सजी उनकी, उसके अंदर जो राइस थे वो उससे भी गए गुजरे। खैर अब हमने वो जो खाए, 3 बंदे थे एक सजी, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने राइस होंगे यार, इतनी सी प्लेट जिसके अंदर सजी पूरी आ जाए उसी को फुल क्या होता राइस से, कितने होंगे से कि आप कह सकते हैं हम घर में जितनी एक नॉर्मल प्लेट भर के खाते। अब हम तीनों ने दो दो तीन तीन चम्मच खा लिया। अब जाहिर सी बात है कि हम खाने वाले लोग, हम कोई वहाँ पे ये तो नहीं था कि किसी बॉस के साथ या क्लाइंट के साथ गए होंगे कि हमने वहाँ पे जस्ट जाके चखना था। एंड देन मतलब जब बंदा क्लाइंट के साथ खाने पे जाता है ना, मेरा बड़ा दिल करता है वो जो हड्डियाँ होती है वो खास तौर पर खींच के तौर पर खाने का, लेकिन बंदा बड़ा साफ़ से साइड पे रख देता है एंड सारी सेटिस्फेक्शन मर जाती है बंदे की, जितना मर्जी खा लो वो मजा नहीं आता कि हड्डियां भी खींच खाल खींच के उतार के खाने वाला है। तो भैया हम अब ये सोच रहे कि यहाँ पे रिफिल होता है या नहीं होता, दोबारा राइस मिलने है या नहीं मिल रहा। तो मुझे याद था सेवर फूड का, वहाँ पे एक बार मैं गया हुआ था इधर लाहौर में लक्ष्मी चौक क्या कहते हैं शादमान के पास ना, गंदे नाले के ऊपर है वहाँ पे हम गए हुए थे, तो वहाँ पे रिफिल मिलती थी। तो मैंने कहा कि यार क्या कहते हैं पता नहीं मुश्किल होगी उधर तो मिलती थी। खैर हम में से एक जो था थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेट था, उसने हिम्मत की एंड देन उसने बुला लिया, उसे कह रहे रिफिल होती है जी होती है, और हम बिल्कुल शर्मिंदा हो रहे थे। खैर वो फिर रिफिल करा के आया, हमने फिर खाया एंड देन मैंने कहा कि उठो भाई बस बहुत हो गया इतना स्टेमिना, उठे पैसे, अच्छा फिर पैसे लेने कोई ना आ रहा, खाना खाने के बाद फिर हम आधा घंटा बैठे कोई बिल देने वाला ना आ रहा। मैंने कहा यार पता नहीं इनको हम मुस्तहिक लग रहे हैं या क्या है कि ये बस दे के चले ही जा रहे हैं। तो भाई वो तकरीबन हमने 2 घंटे गुजारे जिंदगी के तकरीबन तकरीबन सेकेंड ऑकवर्ड मोमेंट्स हो सकती हैं। तो बड़े होटल्स में हमें कोई खास वारा नहीं खाता, लेकिन हम यासर पे गए क्यों, असल चीज तो थी ना उनकी सेल तो हो गई ना, हम 2000-2500 दे ना उनको, हालांकि कुछ भी हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक क्यों गए। उनका नाम बेसिकली जब वर्ड सज्जी जहन में आती है तो फिर नाम ही उन्हीं का ही आता है, ब्रोस्ट का। आप कभी ना जाना, मैं आपको इस चीज की ना वो कह रहा हूँ, किसी ढाबे वाले से खा लेना बहुत मजेदार होता है। अच्छा तो क्या हुआ बेटा कि
हर चीज उनके लोगों के अंदर शामिल होती है, एंड वो सारा कुछ कस्टमर्स का जो होता है उनके नाम में शामिल होता है। ठीक है, अब सिंपल यासिर रेस्टोरेंट भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को स्पेशलाइज्ड किया यासिर रोस्ट में, कि चिकन की रोस्टिंग के साथ जो भी काम होगा वो हम स्पेशलाइज्ड हैं, हम आपके खादी में, बेशक उनको कख नहीं आता। अच्छा जी, अब बेनिफिट क्या होते हैं ब्रांडिंग के, रिकॉग्निशन मिलती है आपको, इंक्रीज बिजनेस वैल्यू, आपकी बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है, न्यू कस्टमर्स आपके जनरेट होते हैं, एंड इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज प्राइड एंड सेटिस्फेक्शन। एम्प्लॉयज यहाँ पे वो क्या कहते हैं, मेरा कजन है KFC में, वो यहाँ पे बाबा लगा के फिर रहा होता है, फ्रंट पे शर्ट के ऊपर बाबा लगा होता है उनके, और वो बड़े प्राउड फिर होते हैं कि हम KFC के एम्प्लॉय हैं। खैर, तो होता है ऐसे। हमने भी एक बार अपने, हमारा एक छोटा सेटअप होता था किसी जमाने में, तो हमने भी क्या किया था, जोश जोश में उसकी शर्टें बनवा दी थी, किसी ने शर्मिंदगी से पहनी नहीं, अभी तक पड़ी है। तो इम्प्रूव एम्प्लॉयज प्राइड एंड सेटिस्फेक्शन, क्रिएट ट्रस्ट विद इन द मार्केट प्लेस, मार्केट में ट्रस्ट क्रिएट होता है, एंड एडवर्टाइजिंग को सपोर्ट करता है ब्रांड। जस्ट आप अपना ब्रांड ही वो लोगों ही मार्केट करते हैं तो आपकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। क्या एलिमेंट होते हैं जब आपने ब्रांड क्रिएट करना हो या ब्रांड बनाना हो, तो किन किन एलिमेंट्स का आपने ख्याल रखना है। नंबर वन, वो कहता है ब्रांड की पोजीशन, कि जो ब्रांड की पोजीशन है आपकी एड के ऊपर, वो हमेशा कंसिस्टेंट और ऐसी जगह पे होनी चाहिए जो बिल्कुल वाजे हो, कंस्पिशियस लेटर में हो, क्लियर वर्ड्स में हो, बिल्कुल क्लियर जगह पे हो। एंड एट्रीब्यूट्स मतलब आप उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स यूज कर रहे हो, उसके कलर यूज कर रहे हो, सॉरी उसके अंदर जो आप वर्डिंग यूज कर रहे हो, उसके जो अंदर आप सिंबल यूज कर रहे हो, वो सारे के सारे मीनिंगफुल होने चाहिए। एंड ब्रांड एलिमेंट के तमाम कंपोनेंट, मतलब उसका कलर, उसकी आइडेंटिटी वगैरह, सारा कुछ जो है वो यूनिक होना चाहिए, उसका शेप एंड इन सब का कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। ब्रांड ओनरशिप, और ब्रांड को हमेशा उसकी ओनरशिप लेनी चाहिए आपको, मतलब ब्रांड आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके नाम पे। ये ना हो कि आप अंडे वाप मेहनत कर कर के आप एक ब्रांड डेवलप करो, एंड देन कोई और आए और उसको लेके उसके नाम पे बिजनेस शुरू कर दे। ये जो आपने सुना इधर एक रेस्टोरेंट है, ये वाला तो स्टेडियम के पास डेरा, कौन सा डेरा यार, बड़ा नाम है उसका, कभी सुना हो, कोई एक डेरा है, डेरा फजल हक, वो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, बेसिकली कराची का था, वो चल रहा था, किसी ने क्या किया, उसी के नाम का ब्रांड रजिस्टर कराया एंड उसके ऊपर केस करके उसको बंद करा दिया था, उसने नाम चेंज करा दिया उसको। तो लिहाजा क्या होता है कि आपने मेहनत कर रहे हो एंड फल कोई और ले जाए, ये बात अच्छी नहीं है। एंड इस तरह ब्रांड पर्सनैलिटी, कि उसके भाई तमाम करेक्टरिस्टिक्स ऐसे होने चाहिए, ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो आपकी टारगेट मार्केट की कल्चर, वैल्यूज, एस्पेक्ट्स, उनके मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज, उनकी मेथोडोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी, उन सब को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, एंड इस तरह यूनिक सेलिंग पोजीशन USP आर द की करेक्टर एंड फैक्टर व्हिच इम्फसाइज दैट कंपनीज प्रोडक्ट इज बेटर देन द अदर सिमिलर प्रोडक्ट। कि आप जब ब्रांडिंग कर रहे हैं और आपका जो ब्रांड है या जो आपका लोगो है वो इस चीज का सिंबल होना चाहिए, कि जहां पे ये ब्रांड नजर आ गया वो प्रोडक्ट डिफरेंट है, वो प्रोडक्ट अच्छी है, इस तरह के डॉलेंस। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो सैमसंग फोन होते हैं, ये कहाँ की कंपनी है सैमसंग, या आईफोन, ये कहाँ की कंपनी है? अच्छे मोबाइल होते हैं ना, और हम नॉर्मली समझते हैं आईफोन तो अमेरिकन है, सैमसंग की बात कर रहा हूँ, कोरियन है, हम समझते हैं जनाब जी ये जापानी मोबाइल है, हमें क्या कहा जाता है जब भी कोई अच्छी चीज हो, ये जापानी है, ये चाइना है। हालांकि आपको पता है कि सारे के सारे चाइना में बनते हैं, सब चाइना में बनते हैं, इनके वहां पे प्रोसेसिंग प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और क्या कहते हैं डेवलपिंग प्लांट्स हैं, लेकिन फर्क क्या है कि भाई ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, सही, बिल्कुल कोरिया का है। एग्जैक्टली, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि भाई हर चीज, हर दूसरी चीज चाइना में बन रही है। तकरीबन हर कंपनी ऐसी है जिसने सिर्फ एशिया की मार्केट के लिए जितने भी उसके प्लांट्स हैं वो चाइना के अंदर। अच्छा जी, अगला कंसेप्ट है हमारा सेलिंग, मार्केटिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया, सेलिंग हो गया। सेलिंग हम सबको पता है, बस थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं सेलिंग रेफर टू शॉर्ट टर्म नीड टू क्लोज अ सेल। सेलिंग क्या है कि भाई जस्ट एक्चुअल सेल, सेल को क्लोज करना, मतलब कस्टमर को चीज बेच देना, पैसे आ जाना वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद द सेलिंग कॉन्सेप्ट्स प्रपोजेस दैट कस्टमर्स द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बाय इनफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट अनलेस दे आर परसुएडेड टू डू द
थ्रू सेलिंग एफर्ट के देखो भाई, मार्केटिंग का एक काम है वो ले आती है आप तक, वो आप तक कस्टमर ले आई, वो घूमती फिरती आप तक पहुंच भी आई, लोगों को उसने आप तक पहुंचा भी दिया। आप कस्टमर को एक्चुअल सेल परस्यू करना वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लिहाजा सेलिंग क्या है, एक्चुअली कस्टमर को परस्यू करना कि मार्केटिंग का तमाम रिजल्ट जो है वो अब आपने निकालना है, यहाँ से आपने उसका तकरीबन तमाम अपने एफर्ट वहां से अपनी फ्रूटफुल करनी है। मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस क्या है ये आपने खुद पढ़ लेना, कोई इसमें लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं, दोबारा से इसको पढ़ना जस्ट टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ये सारा आपने पढ़ना है, इनमें कुछ समझ ना आ रहा हो आपने मेरे से पूछ लेना, परेशान नहीं होना। मार्केटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, कंज्यूमर रिसर्च टू आइडेंटिफाई नीड ऑफ अ कस्टमर। क्या भाई जब हम मार्केट करने जाओ उससे पहले आपने करना क्या, इसके अंदर क्या कुछ आता है, वो कहते हैं इसके अंदर रिसर्च आती है। आप सबसे पहले रिसर्च करोगे कस्टमर्स की नीड क्या है, एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आप जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो उसका डिजाइन इनोवेटिव होना चाहिए, वो यूजफुल होनी चाहिए, वो कुछ नई होनी चाहिए प्रोडक्ट, एंड सेम इस तरह एडवर्टाइज करना उसको, एंड देन उसकी प्रोडक्ट रखना, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस रखना, ये मार्केटिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग तो और प्राइसिंग, ये जो है इसके चार डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो के मार्केटिंग के कंसेप्ट में आती है। क्लियर है बेटा यहाँ तक सारा, ये वाला चैप्टर क्लियर है? चैलेंज गुड हो गया। अभी मैं आपको चैप्टर 5 पे टेस्ट भेज रहा हूँ, रिमेनिंग टाइम में बैठ के आप वो टेस्ट करें इंशाल्लाह। हमारा मंडे को एथिक्स का टेस्ट होगा, देन फिर मूव ऑन इसका चैप्टर जो है वो फिर हम अगले फ्राइडे को इंशाल्लाह रखेंगे, ठीक हो गया? कल हम अपना चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे होपफुली, एंड फिर वो मजे के चैप्टर है, तकरीबन अभी सारे मजे के हैं। एक चैप्टर आईटी वाला छोड़ के और फाइनेंस वाला छोड़ के ना, ये दो थोड़े से बोरिंग चैप्टर है, ये आप लोगों की क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से बाहर की चीज है। फाइनेंस आपके लिए बोरिंग होता है, हमारे लिए बहरहाल इंटरेस्टेड होता है क्योंकि हमें पता है हम क्या पढ़ा रहे हैं। आईटी तो भाई हम दोनों के लिए अल्लाह भला ही होता है हाँ पता तो होता है क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो टेक्निकल नॉलेज जो होता है वो क्या कहते हैं, एक अच्छे खासे रिसर्च उसके लिए चाहिए, तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, आपके साथ साथ हम भी डेवलप होते हैं। ठीक है बेटा जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। बच्चा अभी टेस्ट करना है फौरन ही, मैं आपको अगले 5 मिनट के अंदर आपके ग्रुप्स में टेस्ट भेज रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो जस्ट एक बार देख लेंगे, बेशक सॉल्व ना करें, कोशिश कर दिए सॉल्व करने के लिए कर लीजिएगा, अंदाजा हो जाएगा कितने पानी में है, और उनको भी अंदाजा हो जाएगा। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।